नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डाटा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जहां पे आप महज कुछ सेकेंड्स में पूरी की पूरी मूवी ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक मूवी ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा कि कितना स्पीड देता है एप्लीकेशन और कैसे आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में और देखते हैं उस एप्लीकेशन को। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है फाइल्स। तो जैसे ही आप जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में, आपको फाइल्स लिख के सर्च करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स एप्लीकेशन है ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल LLC लिखा आ रहा है। तो दोस्तों मेरे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है 4.6 स्टार है इसका, 2 मिलियन रिव्यू है और वहीं पे ये 100 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। और अभी हम इसे फ़िलहाल ओपन करते हैं और देखते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में, साथ ही साथ कुछ सेटिंग्स वगैरह समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लीन का है, दूसरा ब्राउज का है, तीसरा शेयर का है। तो यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट साइड में जो क्लीन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके कुछ जंक फाइल्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मोबाइल में जो भी डिलीट करना चाहें यहाँ से सारे फाइल्स को एक्सेस करके डिलीट कर सकते हैं। वहीं मिडिल में आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलता है, तो ब्राउज के ऑप्शन में जाके आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। और वहीं राइट साइड में आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आके आप कोई भी फाइल इस मोबाइल से किसी और मोबाइल में, किसी और डिवाइस से इस डिवाइस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ और लिस्ट वाले आइकन पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है कि आपने कितना शेयर वगैरह किया है, साथ ही साथ शेयर फाइल्स ऐप विथ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अगर फाइल्स ऐप को शेयर करते हैं फ्रेंड से तो आपको कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। चल के देख लेते हैं ये क्या सिस्टम है। तो पहले यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल अभी हम इसे रहने देते हैं और सेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हिडन सजेशंस भी मिलते हैं, यू विल सी हिडन सजेशंस हेयर, गो टू क्लीन, ओके। यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक कॉलम है और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ब्राउज। यहाँ पर आप ब्राउजिंग में क्लियर सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, सर्च हिस्ट्री को पॉज कर सकते हैं, सो हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स को ऑन कर सकते हैं और यहां से देख सकते हैं। और यहां पे आप अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। वहीं डार्क थीम वगैरह के लिए भी ऑप्शन है, तो फिलहाल अभी हमें डार्क थीम नहीं करना है। उसका लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और इस ऐप की जानकारी मिलती है। तो अभी हम सेटिंग से निकलते हैं और देखते हैं कि आप कोई भी मूवी अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपको सेंड करना है तो आपको सेंड पे क्लिक करना है, अगर आपको रिसीव करना है तो रिसीव पे क्लिक करना है, यानी कि आपको जिस डिवाइस से सेंड करना है और दूसरे में रिसीव करना है तो सेंडर में सेंड करेंगे और रिसीवर में रिसीव करेंगे। और फिर अभी हम इसे करके देखते हैं कि कैसे आप फाइल सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं इस मोबाइल से अभी एक मूवी सेंड करके आपको दिखाऊंगा और आपको स्पीड भी दिखाता हूं कि मेरे डिवाइस में ये कितना स्पीड देता है। तो दोस्तों मूवी सेंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे दो तरह से मूवीज़ वगैरह सेंड कर सकते हो। एक तो आप वहाँ से फ़ाइल में जाके सेलेक्ट करके उससे सेंड कर सकते हो, दूसरा इस फाइल्स एप्लीकेशन में आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होके और फिर यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ यहीं से सेंड करके दिखाऊँगा कि आप कनेक्ट करके दूसरे डिवाइस से कैसे सेंड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले सेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा आस्क योर फ्रेंड टू ओपन द ऐप एंड टैप रिसीव। तो यहाँ पे अभी हम दूसरा जो डिवाइस है उसके फाइल्स जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे रिसीव पे टैप करते हैं। तो मैंने टैप कर दिया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर में ये जो है डिवाइस को सर्च करके ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डिवाइस को सर्च कर लिया है, अब ये कनेक्ट होने के लिए कनेक्टिंग आईडी उस पर सेंड करेगा, तो उस पर आपको कनेक्ट पे क्लिक करना होता है। तो दोस्तों मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारे फाइल्स एसेस कर रहा है कि मुझे कौन सा फाइल भेजना है, मैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ से भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक कोई भी मूवी ले लेता हूँ और उसे सेंड करता हूँ। दोस्तों ये 1.33 GB की मूवी है, तो मैं फ़िलहाल अभी इसे सेंड करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है 13.7 MB/s अभी आ रहा है, 13.5,
मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे मेरे डिवाइस में ये 16 MB/s तक की स्पीड दे चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14.4 14.2 तक की स्पीड अभी जा रहा है फिलहाल। दोस्तों ये आप कई बार आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ये कितना स्पीड देता है, और साथ ही साथ दोनों डिवाइस के डिस्टेंस वगैरह पे भी ये डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 MB/s तक की स्पीड तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। वहीं आप अगर दूसरे एप्लीकेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो दूसरे एप्लीकेशंस में किसी में 2 MB, किसी में 3 MB, कभी कभी तो 1.8, 1.5 ऐसे मिलता है स्पीड। तो दूसरे एप्लीकेशन से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेहतर है, और अगर डाटा ट्रांसफ़र में ये आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये कॉन्स्टेंटली ये 14 MB से ऊपर स्पीड दे रहा है, 14.9, 14.7, 14.6। तो दोस्तों ये अपने क्लास में एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, और जहाँ तक कि सेफ्टी की सवाल अगर है तो गूगल का जो भी प्रोडक्ट होता है वो तो ट्रस्टफुल होता ही है, उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1.3 GB का जो वीडियो फाइल था ये लगभग ट्रांसफ़र होने ही वाला है। तो दोस्तों मेरे डिवाइस की बात की जाए तो यहाँ पे एक एस्टिमेटेड टाइम देखें तो 1.5 मिनट के करीब लगा है। वहीं अगर आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हो सकता है ये और कम देर में ट्रांसफ़र हो जाए। वैसे अगर मूवी छोटी रहेगी तो और जल्दी ट्रांसफ़र होगी, वो अलग बात है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये दोनों डिवाइस की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि डाटा ट्रांसफ़र स्पीड कितना आता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। धन्यवाद।